है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बता देंगे, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है कि भाई हाउस द जोश एवरीवन? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बता देंगे भाई। वेरी गुड यार, एक मोटिवेशनल सॉन्ग से आज का सेशन स्टार्ट किया, माफ कीजिएगा हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट हो गया हूँ भाई, लेकिन कोई बात नहीं है ना, क्लास को एक्सटेंड कर देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक बार जल्दी से बता देंगे, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रही है क्या भाई? चलिए वेरी गुड यार, आज की क्लास बड़ी ही कमाल की होने वाली है भैया। टाइम एंड वर्क, आप इंटरनेट पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप कर दो, किसी भी आईटी कंपनी का सिलेबस टाइप कर दो,
गेट का एग्जाम ले लो, कैट का एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, अगर आप टॉप 5 एप्टीट्यूड टॉपिक सर्च करोगे तो टाइम एंड वर्क डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर सेशन को अटेंड करना है या मिस करना है, चॉइस आपका है, लेकिन एक स्मार्ट चॉइस लीजिएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक। आप जो छोटी छोटी सी चॉइसेस लाइफ में लेते हो वो डिसाइड करती है कि आप जीवन में कहां जाने वाले हो, राइट? बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे, बहुत सारा मजा करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम काम करेंगे, फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आज का मेरा एक प्रॉमिस है, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आज के सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा भाई। सेशन खत्म होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी मिलेगी, राइट, है ना? तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, डीपीपी पे, तो आपको कोर्स खुलेगा, उसमें आपको बाय बंडल बटन पे क्लिक नहीं करना, एनरोल बंडल बटन पे क्लिक कर देना है, और फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस डीपीपी को एक्सेस कर पाएंगे। 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, तो आज की क्लास को बढ़िया से अटेंड करेंगे, उसके बाद उसकी डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चंस की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे भाई। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल इसलिए मैं सॉल्व करूंगा, फिर आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, भाई छोटी सी विनती है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है बेटा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, है ना? अब देखिए भाई, एलटीआई में क्वेश्चन आया था भाई, सनी देओल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड रवीना टंडन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, है ना? एलटीआई में आप बोलोगे भैया सनी देओल एंड रवीना टंडन आइए कुछ तो झोले, नहीं ऐसा नहीं है। ए एंड बी पूछा था, थोड़ा सा आपके भैया जो है वो क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना देते हैं ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है? तो सनी देओल जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, रवीना टंडन जी भी उसी काम को 15 दिन में कर पाती हैं भाई। अब आपको बोला है कि भाई सनी देओल और रवीना टंडन एक साथ काम कर रही हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो ये बेसिक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है? तो दोबारा क्वेश्चन समझते हैं, सनी देओल किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, रवीना टंडन जी 15 दिन में कर रही है, दोनों ने कहा भैया साथ में करते हैं, तो एक बात तो तय है, देखना सनी देओल अकेले कर रहा था तो 10 दिन में कर पा रहा था, है ना? रवीना जी अकेले कर रही थी तो 15 दिन में कर पा रही थी, ठीक है? अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी मेरा आंसर होगा दैट विल बी लेस देन 10 डेज, है ना? तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जो कि 10 से ज्यादा हो, क्योंकि भैया सनी देओल अकेले को ही 10 दिन लग रहे थे, अब तो रवीना जी आ गई है ना मदद करने के लिए, तो 10 दिन से कम आएगा आंसर, ठीक है? अब अपन आंसर पर ही बात करते हैं, सीधा हम आ जाते हैं, आपको 3 मेथड्स इसमें हम सिखाएंगे। सबसे पहला होता है रेसिप्रोकल मेथड, जो कि आपको किताबों में मिल जाता है। दूसरा मेथड मैं सिखाऊंगा एलसीएम मेथड, जो कि बुक्स में नहीं मिलता है। और तीसरी मैं आपको सिखाऊंगा पीडीएसएस की ट्रिक, जिसमें 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मेथड जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मेथड्स ही हैं जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है? देखिएगा भाई बच्चों, कहीं पर भी कोई भी डाउट है बिल्कुल बिंदास होकर के पूछते रहिएगा, है ना? टॉपिक रिलेटेड डाउट आप तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, कोई जनरिक डाउट है सेशन के एंड में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दूंगा, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है भाई? चलो, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड क्या बोलता है भैया? रेसिप्रोकल मेथड बोलता है 1 डे, एक दिन में काम कर दो भाई, एक दिन में काम कर दो, काम तमाम कर दो, ठीक है भाई? अब यहां पर देखते हैं रेसिप्रोकल मेथड में क्या करना है हमको, ठीक है? देखिए रेसिप्रोकल मेथड में क्या करना है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपको बोला है सनी देओल जो है वो काम को 10 दिन में करता है। अब यहां पर हमको वर्क डिफाइन करना पड़ेगा यार, काम है क्या, क्या काम है जो ये करने वाले हैं, वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा भाई। देखिए भाई यहां पर वर्क क्या है, हम मान लेते हैं भाई एक गिलास पानी पीना जो है, एक गिलास पानी पीना ये मेरा वर्क है, ठीक है? एक गिलास पानी पीना मेरा वर्क है। अब सनी देओल क्या कर रहे हैं भाई, एक गिलास पानी को भाई साहब ये 10 दिन में पी पा रहे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि एक दिन में कितना पानी पी पाएंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, एक दिन में कितना पानी पी पाएंगे? एक गिलास पानी पीने में 10 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में 1/10 गिलास पानी पी लेंगे। टोटली एग्री करते हैं ना आप मेरी बात से भाई? बिल्कुल करना ही पड़ेगा एग्री, ठीक है? सिमिलरली रवीना जी की बात करें तो रवीना जी भाई टोटल वर्क क्या है, एक गिलास पानी पीना, तो रवीना जी भी एक गिलास पानी पी रही हैं और इनको 15 दिन लग रहे हैं एक गिलास पानी को पीने में, तो ये एक दिन में कितना पानी पी पा रही है बताना भाई, 1/15 गिलास। तो अगर मैं बोल दूं सनी जी और रवीना जी एक साथ काम कर रही हैं तो एक दिन में कंबाइंड होकर के कितना काम कर पाएंगे भाई? भैया कंबाइंड होकर के दोनों
कंबाइंड होकर के दोनों सनी जी 1/10 काम कर पा रहे हैं, 1/10 ग्लास पानी पी पा रहे हैं, रवीना जी 1/15 ग्लास पानी पी पा रही हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम वगैरह निकाल करके, इसका आंसर आपका 1/6 आएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं। अब एक दिन में दोनों मिलकर के 1/6 ग्लास पानी पी पा रहे हैं, यानी एक दिन में 1/6 ग्लास पानी पी पा रहे हैं। तो काम क्या है, पूरा काम क्या है, एक ग्लास पानी पीना। तो कितने दिन में पूरा दोनों मिलकर के एक ग्लास पानी पी पाएंगे, एक ग्लास पानी टोटल 6 दिनों में पी पाएंगे। तो दोनों मिलकर के एक ग्लास पानी यानी कि वर्क जो है वो कितने दिन में कर पाएंगे, 6 डेज में। क्रॉस चेक कर लेना हमारा आंसर सही है कि नहीं, कैसे सही है कि नहीं है भाई, आंसर कैसे क्रॉस चेक करें भैया, आंसर 10 से छोटा आना चाहिए भाई, आ रहा है। 10 से बड़ा आएगा तो फॉर श्योर आपका आंसर गलत होने वाला है। क्लैरिटी है ना भैया, इतना सब कुछ करना पड़ा, यहां तो आपने एलसीएम वाला पार्ट स्किप कर दिया, इसको भी सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, 2 सेकंड में निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना। ये ट्रिक नंबर 1 है, इसको हम कभी कभी यूज करेंगे रेयर ऑफ द रेयर केस में। ट्रिक नंबर 2 हम मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। इसको बोलता हूं मैं एलसीएम मेथड मेरा, ठीक है, नंबर 2 इज कॉल्ड एलसीएम मेथड। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। सनी जी अकेले काम को कर पा रहे हैं 10 दिन में, ठीक है, रवीना जी उसी काम को अकेले कर पा रही हैं 15 डेज में। अब आपको बताना है दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है भाई। अब एलसीएम मेथड क्या बोलता है, आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो भाई, टोटल वर्क एज्यूम कर लो। मान लो पिछली बार अपन ने इनको एक गिलास पानी पिला दिया था, इस बार मान लेते हैं कि भाई इनका काम क्या है, चेयर्स बनाना। मान लो कुर्सियां बना रहे हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि भाई हमको चेयर्स बनाने का काम है हमारा टोटल, ठीक है। अब टोटल वर्क जो है वो अपन मान लेते हैं चेयर्स बनाने का है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे कि भाई टोटल मान लेते हैं इनको 100 चेयर बनाने का काम दे दिया, मान लो 200 चेयर बनाने का। आप कुछ भी टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हो, आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमेशा टोटल वर्क जो है वो गिवन डेटा का एलसीएम मान के चलना। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। गिवन डेटा क्या है, 10 और 15 है, 10 और 15 का एलसीएम ले लिया भाई, 10 और 15 का एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क क्या है भाई, 30 चेयर बनाना जो है वो हमारा काम है, 30 चेयर्स बनाना हमारा काम है, ये हमारा टोटल वर्क है। हमने ऐसा मान लिया कि भैया 30 चेयर हमको बनानी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, जो वन डे वर्क है उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। आप एक दिन में कितना काम कर लेते हो वो आपकी एफिशिएंसी हो जाती है भाई। अब इधर पे देखना भाई, ध्यान से देखना। अपन निकाल रहे हैं सनी जी की एफिशिएंसी, है ना, सनी जी की, देवल वाले सनी की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, दूसरी वाली की तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भाई देवल वाले सनी की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम। देखो 30 चेयर बनाना है भाई, अपना 10 दिन में बना पा रहा है, 30 चेयर बना पा रहा है कितने दिन में, 10 डेज में। तो यार एक दिन में 3 चेयर बना पाएगा ना भाई, क्लियर कट बात है, समझ आती है कि नहीं आती मेरी बात। यानी सनी जी की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में अपने भाई 3 चेयर बना पा रहे, ठीक है। अच्छा, रवीना जी की एफिशिएंसी देख लेते हैं भाई, क्या है रवीना जी की एफिशिएंसी भाई। रवीना जी क्या कर रही हैं भैया, रवीना जी को भी 30 चेयर बनानी है, क्योंकि टोटल वर्क ही 30 चेयर बनाने का है। इनको लग रहे हैं 15 दिन, इसका मतलब है रवीना जी एक दिन में कितनी चेयर बना पा रही हैं, एक दिन में 2 चेयर्स बना पा रही हैं। तो सनी जी की एफिशिएंसी एक दिन में 3 चेयर बनाने की है, रवीना जी की एफिशिएंसी एक दिन में 2 चेयर बनाने की। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो भाई सनी जी एक दिन में 3 चेयर बनाएंगे, रवीना दीदी 2 चेयर बनाएंगी, यानी दोनों मिलकर के 5 चेयर्स बना लेंगे एक दिन में। अब दोनों मिलकर के एक दिन में भाई साहब 5 चेयर्स बना पा रहे हैं, हमको बनवानी है 30 चेयर, तो कितने दिन में बना पाएंगे बताना जरा। एक दिन में 5 चेयर, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 30 बन जाएगा, 1 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो 30 बन जाएगा, 6 डेज में 3 चेयर्स बना पा रहे हैं मिलकर के। क्लैरिटी है, यस और नो, ये मेथड समझ आना चाहिए भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हम बार बार इस मेथड को यूज करने वाले हैं। क्लैरिटी है, यस और नो, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। चलो अब अगला मेथड देखते हैं, अगेन क्वेश्चन क्लियर है। सनी जी किसी काम को 10 दिन में कर पा रहे हैं, रवीना जी किसी काम को 15 दिन में कर पा रही हैं।
आपसे पूछा है सनी और रवीना साथ काम करेंगी तो कितने दिन में कर पाएंगी, ये पूछा है भाई। तो मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, वो किसी मान लेते हैं पी डेज में किसी काम को कर पाता है। कोई पर्सन बी है वो क्यू डेज में उसी काम को कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों मिल करके कितने दिन में कर पा रहे हैं। पर्सन ए पी डेज में किसी काम को कर पा रहा है, पर्सन बी उसी काम को क्यू डेज में कर पा रहा है, दोनों मिल करके कितने डेज में कर पाएंगे, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। इसको मैं बोलता हूं क्या, पी डी एस ट्रिक। पी मतलब प्रोडक्ट, आपने दोनों गिवन डेटा का प्रोडक्ट निकाल लिया। डी मतलब डिवाइड बाय, एस मतलब सम, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो जो दोनों के इंडिविजुअल डेज हैं उनका प्रोडक्ट करना है, डिवाइड कर देना है किससे, उनके सम से। तो बहुत सिंपल है भाई, सनी जी 10 दिन में काम कर रहे थे तो यहाँ पी की वैल्यू 10 हो गई, क्यू की वैल्यू 15 हो गई, तो पी इंटू क्यू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 2 सेकेंड में आंसर आएगा 150 अपॉन 25 विच इज नथिंग बट 6 डेज में दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। कैसी लगी भाई, मजा आ गया, आ गया स्वाद, जल्दी से लाइक कर दो भाई, मजा आ गया। तो फटाफट से देखिए भाई, धीरे धीरे अटेंडेंस गिरती जा रही है, अटेंडेंस गिर रही है तो दुखी होना है या खुश होना है, जल्दी बताओ। खुश होना है अटेंडेंस गिरने पर। मैंने क्लास के आते से ही आपको सॉन्ग चला दिया, कॉपीराइट आ चुका है, अब इस सेशन से 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। आरंभ है प्रचंड, जिसका भी गाना होगा उसके कॉपीराइट ओनर्स को पैसा मिल जाएगा। तो कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, लेकिन जितने कम बच्चे बचेंगे उतना अच्छा है। बिकॉज लास्ट में मुझे केवल वो 15 बच्चे चाहिए जिनका मैं प्लेसमेंट करा पाऊं, तो आखिरी दिन में आते आते सिर्फ 15 बच्चे बचेंगे और उन्हीं 15 का प्लेसमेंट होना है, समझ रहे हो। तो जब बच्चे कम बच रहे हैं तो आपको खुश होना है, आप अपनी सफलता की मंजिल पे आगे बढ़ रहे हो। तो आपको तो बेटा सिर्फ ट्रेडमिल पे खड़े होना है, लोग अपने आप आपकी ट्रेडमिल से साइड होते जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मेहनत नहीं बढ़ानी है, आप तो जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी करनी है, लोग अपने आप गिव अप करते जाएंगे। बहुत आसान है प्लेसमेंट पाना भाई, कुछ नहीं करना, ट्रेडमिल पे बस चलना है, खड़े रहना है, चलना भी नहीं है, ठीक है। चलो वेरी गुड, क्लियर है भाई, पीडीएस मजा आ गया, चलो भाई वेरी गुड। अगला सवाल सॉल्व करने से पहले आपको बढ़िया सी एक पहले वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन को भाई सॉल्व करिएगा, ठीक है बेटा। हम सब लोग बड़े हो चुके हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइटली ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, बोलो भाई, दिखा दूं, चलो वेरी गुड। मैं तो इनको ही देख देख के रही थी, अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रहता। हाँ मैडम, वो सिर्फ उनको देख के ही जियो, अगर उनसे मिल ली ना तो जी नहीं पाओगी। और एक बात और, जैसे नया सरकार से लोग उम्मीद लगाते हैं कि वो उनका हाल बदल देगा, जैसे सैलून में जाके हम सोचते बार बार हमारा बाल बदल देगा, वैसे ही आप उनसे एक बार मिल के तो आइए, कसम से बता रहे हैं वो आपका चाल बदल देगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलिए भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल एमकेट में पूछा गया था भाई, जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए तो अगर आप भी किसी को देख करके जीते हो या किसी को देख करके सोते हो, है ना, तो कृपया करके ऐसा ना करें। हम अर्जुन यस सर कृष्णा मंजिल पर पहुंचा देंगे, बिल्कुल भाई कोई टेंशन नहीं लेना। देखो एट अ टाइम ना हम क्या कर सकते हैं, बहुत से बहुत हम क्या करते हैं दिन भर में, देखना हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं करते। अब आप खाना खा रहे हो तो क्लास देखते देखते खाना खा सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। अगर हम एंटरटेनमेंट करते हैं इस समय तो भाई क्लास में भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो क्लास देख सकते हो। अगर आप पढ़ाई करते हो इस समय तो आप पढ़ाई कर लो भाई, अगर बाबू शो ना करते हो तो बात अलग है भाई, वो क्लास में नहीं कर सकते हो ना मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो
वो एक अलग केस है, बाकी तो यार क्लास अटेंड करने के सारे रीजन है आपके पास। ठीक है भाई जल्दी, जॉनी भैया और मिया दीदी, ऑब्वियसली एमकेट में जॉनी भैया मिया दीदी नहीं आए थे, पर्सन ए एंड पर्सन बी आए थे। टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, हालांकि इनको 15 दिन नहीं, इनको 15 मिनट दे दो ये खेल कर देंगे। ठीक है, तो जॉनी भैया मिया दीदी 15 दिन में किसी काम को कर पाते हैं, मिया दीदी उसी काम को अकेले 20 दिन में कर पा रही है, है ना। तो देखो दो लोग मिलके काम करते हैं तो चरम सुख, ओ सॉरी, काम जो है वो जल्दी होता है। ठीक है, तो 15 दिन में दोनों काम कर पाते हैं, मियां दीदी अकेले 20 दिन में काम कर पाती हैं। अब जॉनी भैया अगर अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, आपको ये बताना है भाई। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हो गया, देखो काम वही करना है, अपन मान लेंगे टोटल वर्क, रेसिप्रोकल मेथड जाए भाड़ में, अपन मान लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या मानना है, जो भी गिवन डेटा है ना उसका एलसीएम, पहली स्टेप तो आंख बंद करके सेम कर दो, गिवन डेटा का एलसीएम, यानी आपको एलसीएम ले लेना है 15 का और 20 का, ये आ गया 60। तो अपन मान लेते हैं टोटल वर्क जो है इनको 60 चेयर्स बनानी है। देखना मैं आपको बहुत खूबसूरती से एक टेबल बनाना सिखा दूंगा। देखो J फॉर जॉनी, M फॉर मिया, तो आपको बोला है जॉनी भैया और मिया दीदी साथ में काम को 15 दिन में करती हैं, मिया दीदी अकेले काम को 20 दिन में करती हैं। लिख लिया भाई, है ना। अब इधर देखो टोटल वर्क दे रखा है 60 डेज, ठीक है भाई। तो ये एक मतलब कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, ये टोटल 60 चेयर बनानी है। अब आपको बोला है भाई जॉनी भैया और मिया दीदी 15 दिन में 60 चेयर बना पा रहे हैं, 15 दिन में 60 चेयर बना पा रहे हैं, यानी एक दिन में 4 चेयर बना रहे होंगे, तो यहां पर एक दिन का काम लिख दिया। अब मिया दीदी अकेले 20 दिन में 60 चेयर बना पा रही हैं, तो एक दिन में 3 चेयर बना पा रही होंगी, यस और नो। तो जॉनी भैया और मिया दीदी मिलकर के एक दिन में 4 चेयर बना रही है, मिया दीदी अकेले जिसमें से 3 चेयर बना दे रही है, तो जो 4 चेयर दोनों मिलकर के बना रहे हैं, मिया दीदी अकेले ही 3 चेयर बना दे रही है, इसका मतलब जॉनी भैया एक ही चेयर बना पा रहे हैं एक दिन में। अब अपने को कितनी बनवानी है, 60 बनवानी है, तो 60 दिन चाहिए भाई, क्योंकि हमको बनवानी है 60 चेयर्स, तो एक दिन में एक चेयर बना पा रहे हैं, तो 60 दिन में 60 चेयर बना पाएंगे। आपसे पूछा है अगर अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, 60 डेज में कर पाएंगे, यस और नो, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। तो इस तरीके से छोटा सा चार्ट बना दो भाई कि अलोन अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर पा रहे हैं, डेज लिख दिए, यहाँ पे टोटल वर्क लिख दिया कितना करना है, यहाँ पे पर डे लिख दिया, पर डे कितना आप काम कर पा रहे हो, क्लैरिटी है। अच्छा इसमें भी एक ट्रिक लगती है, मान लो पर्सन ए अकेला किसी काम को पी दिन में कर पा रहा है और बोला है ए प्लस बी मिल करके उस काम को क्यू डेज में कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए बी अकेले कितने दिन में काम कर रहा है। पिछली प्रॉब्लम क्या थी, पिछली में ए और बी के इंडिविजुअल दिए थे कि ए पी डेज में कर पा रहा था, बी क्यू डेज में कर पा रहा था, और आपसे बोला गया था कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर पाएगा ये बताना था। तो यहां हमने लगा दी थी पीडीएस, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। अब यहां पर आपको बोल रखा है कि भाई ए अकेले का दिया और कंबाइंड वर्क भी दिया है, बी अकेले का वर्क पूछ रहे हैं, तो यहां लग जाएगी पीडीडी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रहेगा, इस बार सम की जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्लैरिटी है क्या, क्लैरिटी है क्या, डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज और भैया, वो मिलकर के चेयर नहीं कुछ और बनाते हैं, क्या बात है, बहुत तेज है बुद्धि तुम्हारी, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है भाई, तो पीडीडी ट्रिक लगा देंगे। तो भैया यहां पर आपको क्या दे रखा है, पी मतलब अकेले का काम, भाई मिया दीदी अकेले 20 दिन में कर पा रही है, पी प्लस क्यू यानी मिलकर के 15 दिन में काम कर पा रहे हैं, है ना, सॉरी क्यू मतलब मिलकर के कितना काम कर पा रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू आ गई 15, क्लैरिटी है, क्यू की वैल्यू आ गई 15, तो पी मतलब अकेले मिया दीदी 20 दिन में मिलकर के 15 दिन में काम कर पा रहे हैं भाई। तो अब आप यहां पर देख लो भाई, पी इंटू क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, तो ये हो गया 20 × 15/5, ये 3 times कट गया, आ गया कि नहीं आंसर, ओरली आ गया, 2 सेकंड में आ गया, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एमकेट में 60 सेकंड मिलते हैं, आप 10 सेकंड में सॉल्व करके आ जाते। क्लैरिटी है, कोई डाउट कंफ्यूजन, अगर आप भूल जाओ कब पीडीएस लगाना है कब पीडीडी लगाना है, आप सीधे आप ये वाला मेथड यूज कर लो, एलसीएम वाला। अच्छा एक चीज और, एक चीज और देखो भाई, यहाँ दिमाग भी दिया है ना भगवान ने अपन को, जॉनी भैया और मिया दीदी अगर साथ में काम कर रही हैं तो 15 दिन में कर पा रही हैं,
तो भाई जॉनी भैया अकेले कुछ भी हो जाए 15 दिन से ज्यादा तो ले ही लेंगे, अगर अकेले करेंगे तो। दो लोग मिलके किसी काम को 15 दिन में कर पा रहे हैं, तो अगर आप अकेले उस काम को करोगे तो 15 दिन से ज्यादा लगेगा, तो वॉट एवर द आंसर विल बी वो 15 डेज के ऊपर आ जाएगा। भैया डिफरेंस क्यों आया? देखो यार ये वही बात हो गई, आप भगवान से पूछ रहे हो आम के पेड़ पे आम क्यों लगे, मम्मी ने खाना बना दिया, आप खाने की जगह पूछ रहे हो मम्मी आपने ये कैसे बनाया, इसमें क्या डाला, कितनी लाल मिर्ची डाली, कितनी काली मिर्ची डाली। मैं क्या करता हूँ, ट्रिक बनाना बहुत आसान है, आप घर पे भी बना सकते हो। रेसिपी बता दूं क्या? बता दूं क्या? कितने लोगों को शॉर्ट ट्रिक बनाने की रेसिपी जानना है बताओ भाई? ऐसा नहीं कोई बाबा जी का चूरन खा लो और फिर सुबह सुबह शॉर्ट ट्रिक निकले भाई, ऐसा नहीं होता ना। कितने लोगों को जानना है भाई, कितने लोगों को जानना है शॉर्ट ट्रिक की रेसिपी? आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में कभी, आप खुद ही ट्रिक बना सकते हो। बोलो भाई, ना कोई कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, खुद ही ट्रिक। बोलो भाई, बोलो भाई। शुभम जी स्मार्ट है, बोलते भैया नहीं जानना, आप तो हो भाई हैं। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन में बार बार डेटा वैल्यू चेंज करते जाओ, डेटा वैल्यू चेंज करते जाओ और इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते जाओ। जब आप ऐसे 30 से 40 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, आपको पैटर्न नजर आने लगेगा कि यार मैथमेटिकली मैं बिहाइंड द सीन जाकर के क्या कर रहा हूं। तो जब आप 30 से 40 क्वेश्चन डेटा चेंज करके करते जाओगे, मैथमेटिकली आपको पता चलता जाएगा कि यार ऊपर वाले दो टर्म्स का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं और नीचे वाले दो टर्म्स का मैं डिफरेंस ले रहा हूं। तो बन गई ऐसी ट्रिक। अब आपको कोई टेंशन ले लेने की जरूरत नहीं है भाई, वो मेहनत मैंने आपके लिए कर रखी है, आपको परसी परसाई थाली दे रहा हूं, बस आपको खाना खाना है। भाई आई हैव अ डाउट, क्या डाउट है जल्दी से पूछे भाई, आगे बढ़ते हैं जब तक अगले सवाल पे। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, जल्दी से देखना इसको। विप्रो एलाइट में पूछा गया था भाई, बोला है जेठालाल आधा काम 5 दिन में कर लेता है अगर अकेले करता है, दया 3/5 काम 9 दिन में करती है और सुंदरलाल 2/3 काम 8 दिन में करता है। ठीक है, अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन लगने वाले हैं, जल्दी से बताओ। मोर देन टू पीपल आए, देखिए आपकी दिल की बात मेरे पास पहले ही पहुंच गई, मोर देन टू पीपल का सवाल आ गया। चलो ऑप्शन दे दें क्या, ऑप्शन दे दें क्या? चलो भाई बता देना जल्दी से। विप्रो में बेटा 60 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कितने 60 सेकंड, जल्दी से करो भाई जल्दी से, कम ऑन। एलसीएम मेथड तो सिखाई दिया ना, एलसीएम मेथड तो सिखाई दिया ना, लगाओ उसको ट्रिक, बता दूंगा ट्रिक की टेंशन मत लो, एलसीएम मेथड तो सिखा दिया ना। भैया मुझे डीपीपी की लिंक नहीं मिल रही, बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार देख लेना। ठीक है, टीम आपको अभी लिंक भी भेज रही है, आप उसको क्लिक करके बुकमार्क कर लेना। मैं इस बार सुंदर की टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगा, तू देगा तेरे को पता नहीं है लेकिन तू देगा। वेरी गुड, हां जी भाई करें क्या? व्हेन यू आर देयर व्हाई वी नीड ट्रिक, हाँ चलो ये भी ठीक है, पेपर में भी मुझे ले जाना है ना। चलो भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक बार देखते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात भाई, देख रहे हो नीचे, थैंक्स अ लॉट टू यस सर एंड केजी टीम, यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर हैड, योर लेक्चर्स हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली योर टेस्ट पेपर सॉल्विंग देम वाज इनफ, आई हैव क्लियर टीसीएस डिजिटल एग्जाम 2 times। लोगों का सपना होता है कि निंजा निकल जाए, दीदी ने डिजिटल 2 बार क्रैक किया है। आई वॉज एनक्यूटी टॉपर, आई हैव रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम टीसीएस विप्रो एंड अदर 2 companies। तो टीसीएस विप्रो, बाइनरी फॉक्स एंड कॉग्निजेंट, बाइनरी फॉक्स में 9 lakh का पैकेज था आकांक्षा का, सिर्फ एक कोर्स खरीदा इन्होंने, मेरा प्लेसमेंट होगा, 5,000 rupees का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 9 lakh का पैकेज घर पे लेके गए, आप समझ रहे हो क्या? चलो ठीक है, एनीवेज देखो भाई जल्दी से, आपको बोला है जेठिया अकेला आधा काम 5 दिन में कर रहा है, जेठालाल 5 दिन में अगर आधा काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? 10 days, J4 जेठालाल लिख देता हूं। तो भाई अगर आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 10 दिन में। अब दया बहन 3/5 काम कर पा रही है 9 days में, 3/5 काम कर पा रही है 9 days में, तो पूरा काम कितने में कर पाएंगे? देखो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती है, 3/5 काम कर पा रही है 9 days में, तो पूरा काम कितना? इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, 3/5 का उल्टा कर दो 5/3,
तो 3/5 काम कर पा रही है 9 days में, तो 9 × 5/3 days में ये पूरा काम कर पाएंगे। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो पूरा जो टोटल वर्क है उसको हमेशा 1 एज्यूम करते हैं। अब 3/5 अगर 9 है तो 1 क्या हो जाएगा, 9 × 5/3। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो इधर ये 1 बन गया, इधर 9 × 5/3 बन गया, तो ये 3 × 5 यानी 15 days। तो अगर दया अकेले काम करे तो 15 दिन में कर पाती है, ठीक है। अब सुंदरलाल की बात कर लेते, सुंदरलाल 2/3 काम करता है 8 days में, बताओ भाई कितने दिन में काम कर पाएगा, कितने दिन में काम कर पाएगा, जल्दी 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 कितने दिन में काम कर पाएगा भाई, फटाफट से बताओ सुंदरलाल कितने दिन में काम कर पाएगा भाई। 2/3 है ना, 2/3 काम कर रहा है 8 days में, तो काम कितने में कर पाएगा, 8 × इसका रेसिप्रोकल 3/2 में पूरा काम कर पाएगा, तो 12 days में सुंदरलाल पूरा काम कर पाएगा। अच्छा एक काम करो, एलसीएम निकाल दो टोटल वर्क के लिए 10, 15 और 12 का, क्या एलसीएम आएगा बताओ भाई, क्या एलसीएम आएगा, आई थिंक 60 आएगा एलसीएम, बिल्कुल आएगा 60। इसका मतलब टोटल वर्क में मान लेता हूँ 60 चेयर्स बनानी है टोटल, तो अपन ने यहाँ 60 लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर क्या था, अलोन कितने दिन में काम कर पाएंगे, यहाँ पर टोटल कितना काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वन डे का वर्क लिख देते हैं, एक दिन में कितना कर पाएंगे भाई, देखना भाई जेठालाल 10 दिन में 60 चेयर बना पाता है, 10 दिन में 60 चेयर बना पाता है, तो एक दिन में 6 चेयर बना पाएगा। दया 15 दिन में 60 बना देती है तो एक दिन में 4 चेयर बना पाएगी, है ना। कैसे कर रहे हैं भैया, 60 में 15 का डिवाइड कर दो 4 आएगा, 60 में 10 का डिवाइड कर दो 6 आएगा, 60 में 12 का डिवाइड कर दो 5 आएगा, 12 दिन में 60 चेयर यानी एक दिन में 5 चेयर। अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितनी चेयर बना लेंगे, 15 चेयर बना लेंगे एक दिन में, तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 15 चेयर बना लेंगे। 60 चेयर बनानी है, 4 days की नीड पड़ेगी, 4 days। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार, 47% बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया, बहुत बढ़िया, क्लैरिटी है। अच्छा ये तो हो गया एक मेथड, इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, यहां पर भी पीडीएस ट्रिक लग जाती है। अगेन आपको क्या बोला है, कोई पर्सन ए है वो किसी पी डेज में काम कर पा रहा है, कोई पर्सन बी है वो किसी क्यू डेज में काम कर पा रहा है, कोई पर्सन सी है वो किसी आर डेज में काम को कर पा रहा है, ठीक है। आपको बोला गया है तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, इंडिविजुअल वर्क दिए कंबाइंड पूछा है, तो आपका पीडीएस लग जाता है। पीडीएस क्या बोलता है भैया, ऊपर ले लो प्रोडक्ट, फिर डी मतलब डिवाइडेड बाय, एस मतलब सम। बस ध्यान रखना ये जो सम है ना, ये इस बार साइक्लिक सम हो जाएगा बस। अब ये साइक्लिक सम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, तो पीडीएस ही होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ही होता है, बस सम क्या हो गया, साइक्लिक सम हो गया। तो भाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। साइक्लिक सम कैसे निकालेंगे, देखो पी क्यू आर को 2 बार लिखना जरा, तो पहले पी और क्यू को ले लिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर क्यू और आर को ले लिया, फिर आर और पी को ले लिया, यानी पी क्यू क्यू पे खत्म किए, क्यू पे शुरू किए, क्यू के बाद आर, आर पे खत्म किए, आर पे शुरू किए, तो पी क्यू देन क्यू आर देन आर पी। तो पहले पी क्यू स्टार्टिंग के 2 ले लिए, फिर सेकंड थर्ड ले लिया, फिर थर्ड एंड फर्स्ट ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर क्या दे रखा था, जेठालाल 10 दिन में काम को कर पा रहा है, दयाबेन 15 दिन में, सुंदरलाल 12 दिन में, तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं कितने दिन में, आपसे ये पूछा था। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, Q की वैल्यू आ गई 15, R की वैल्यू आ गई 12। तो P इंटू क्यू इंटू आर दैट इज 10 × 15 × 12 डिवाइडेड बाय 10 × 15 + 15 × 12 प्लस 10 × 12 × 10, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, 15 × 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 180 लिख सकता हूं, 15 × 12 को मैं 180 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा, ये 0 से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा 15 × 12 डिवाइडेड बाय 15 + 18 + 12। अब ध्यान से देखो भाई, 3 की टेबल में ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये कितनी बार, 4 बार। तो इधर देखो 15 × 4 डिवाइडेड बाय 6, 5, 11 और 4, 15, तो टोटल आपका आंसर 4 निकल के आ गया। तो आइदर आप डायरेक्टली पीडीएस ट्रिक भी लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है,
या तो आप LCM मेथड को भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपका चॉइस है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। यस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े भाई, देखिए जब भी ना एक प्रॉमिस करो मेरे से, देखो जब भी कभी आप लाइव क्लास में आओगे ना, अपने एक या दो दोस्तों को लिंक शेयर करके आया करें, या कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करके आया करें। ऐसा इसलिए भाई, अगर तुम चार या पांच दोस्तों की अपनी ऐसी कम्युनिटी बना पा रहे हो ना कि मिल करके प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम पाथ से डिविएट होगे, तो तुम्हारा दोस्त क्लास अटेंड कर रहा होगा तो उसको देख के तुमको मोटिवेशन होगा, तुम्हारी फटेगी कि यार वो तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। जब तुम्हारे दोस्त से सवाल बनेंगे, तुमसे नहीं बनेंगे, तुम्हारी फटेगी, तुम मेहनत करोगे, कंपटीशन करोगे, प्लस साथ मिलके पढ़ोगे, डाउट क्लेरिफिकेशन में आसानी होगी। तो जितने ज्यादा दोस्त मिल करके देखें भाई, कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना यार। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि उनसे आप बोलो कोर्स खरीदो, आपने खरीदा, आप समझदार हो, आपकी समझदारी है, एटलीस्ट उनको फ्री लाइव क्लासेस में इन्वाइट कीजिए। आप ये समझो 33 लाख इंजीनियर पेपर दे रहे हैं, तुम्हारे कॉलेज के 100-200 लोग तुम्हारा कंपटीशन बढ़ाने या कम करने वाला नहीं है, कंपटीशन वर्ल्ड वाइड हो रहा है। अगर तुम दोस्तों को साथ लेकर के चलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, और साथ ही प्लेसमेंट होगा, आगे जाकर भी दोस्ती बनी रहेगी, सेम कंपनी में सेम ब्रांच में काम करोगे तो। समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, उससे पहले अगेन एक बढ़िया सा मीम सुनते हैं भाई, एंजॉय करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई? चलो, हम गाली भी नहीं देते बिना बात। अच्छा, गाली भी नहीं देते? ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था, ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे, तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अच्छा। अब वो कि मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली दे के उठा सकता था, मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया, नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी, आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी, ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। चलिए भाई, गाली देने का नया तरीका हो गया भाई। अगला सवाल एक्सेंचर में पूछा गया था भाई, जल्दी से सॉल्व करेंगे, अगेन LCM मेथड अप्लाई करेंगे, जल्दी से आंसर पाएंगे। आप दो दो लोगों का ग्रुप बोल दिया, आपको बोला अर्चना और कपिल किसी काम को 12 दिन में कर पा रहे हैं, कपिल और तारक उसी काम को 15 दिन में कर पा रहे हैं, और तारक और अर्चना अगर कर रही हैं तो 20 दिन में कर पा रही हैं। अब अर्चना अकेले अगर उस काम को करेंगी तो कितने दिनों में करेंगी भाई? अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल आ गया भाई, कर पाएंगे या मैं कर दूं भाई? टाइम चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, या डायरेक्टली मैं ही सॉल्व करा दूं भाई? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई। भैया आज मेरी दीदी की शादी है, सब शादी में गए हैं, बैंकेट हॉल में, मैं घर पर हूँ। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए ही रुकी हो ना, फिर ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड यार, अच्छा डेडिकेशन है। गुड 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 टू हियर दैट। चलो भाई, अच्छा ईशा जी ने एक स्टेटमेंट बोला है, ट्राई करते हैं भैया। देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आज, आपके जीवन से ना ट्राई वर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों के आसपास बॉटल है क्या, पानी की बॉटल कितने लोगों के आसपास है भाई, जल्दी बताओ, एक मिनट का समय लगेगा, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। पानी की बॉटल कितने लोगों के आसपास है भाई, बताओ बताओ बताओ। पानी की बॉटल उठा सकते हो, रिमोट उठा सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट, वट एवर ऑब्जेक्ट, लैपटॉप मत उठा लेना, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हो, पेन उठा लो, कुछ भी उठा लो, रिमोट होगा आसपास वो उठा लो, कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट आप उठा सकते हो, है किसी के पास? चलो भाई, ये पानी की बोतल है, अपने हाथ में रख लो, जो भी ऑब्जेक्ट आपने उठाया है उसको अपने हाथ में रख लो। अगर आप राइट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड पे रख लो, लेफ्ट हैंडर हो तो अपने राइट हैंड पे रख लो, ऑपोजिट हैंड पे रखना है, ठीक है, जिससे पिछवाड़ा साफ करते हैं सुबह, ठीक है? अब इधर देखो भाई, ये पानी की बोतल आपने रखी है, अब मैं टास्क आपको दे रहा हूं, आपको इस पानी की बोतल को उठाने का ट्राई करना है। क्या करना है आपको? जो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में उसको उठाना नहीं है,
आपको ट्राई करना है उठाने का, ठीक है मैं ट्राई करता हूं, यार ये तो उठ गया, नहीं भाई उठाना नहीं है सिर्फ ट्राई करना है, यार ये तो फिर उठ जा रहा है, अरे यार मैं ट्राई कर रहा हूं ये तो उठ जा रहा है, यार भाई उठाना नहीं है ट्राई करना है, नहीं हो रहा भैया ये तो उठ जा रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि यार ऑब्जेक्ट उठ जा रहा है, भैया ट्राई नहीं हो पा रहा ये तो उठ ही जा रहा है, कितने लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इस चीज को। जो भी ऑब्जेक्ट आपने हाथ में पकड़ा है ना, मेक श्योर अपने शरीर का कोई अंग नहीं पकड़ना है, कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना है जिसको आप उठा सको आराम से, राइट। तो है ना, समझो लड़को, चलो भाई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उठा पा रहे हो क्या? कितने लोग उठा पा रहे हैं बताओ भाई, कितने लोग उठा पा रहे हैं, बोलो बोलो बेटा। लाइफ की रियलिटी भी यही है, किसी काम को करना आसान होता है लेकिन तुम उस काम को ट्राई करोगे ना तो वो मुश्किल हो जाता है। भैया मुझे डर लग रहा है, डर को फेस करो आसान हो जाएगा, समझ रहे हो क्या इस बात को? तो किसी भी काम को आप ट्राई कर रहे हो ना आप उसको मुश्किल बना रहे हो। ट्राई करने का मतलब क्या है? आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो, सिंपल सी बात है, उसको कर देना है ना। मैं आज होमवर्क कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, नहीं भाई करना ही है खत्म, बात सवाल ही नहीं उठता ना, दूसरा चॉइस ही क्यों अपने आपको दे रहे हो, समझ रहे हो? आपके किसी दोस्त ने आपसे बोला या आपका कोई रिश्तेदार है वो बोलता है यार भाई मैं ट्राई करूंगा ऐसा करने का, आपने अपने दोस्त को 3 दिन बाद या किसी रिश्तेदार को 3 दिन बाद बुलाया भाई डिनर पे आ जाओ, बोलते यार मैं बिजी हूं मैं ट्राई करूंगा कोशिश करूंगा अगर आ पाया तो आ जाऊंगा, इसका क्या मतलब है वो आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपके दोस्त ने बोला कि भाई मैं 2 दिन बाद ट्राई करता हूं आने का, इसका क्या मतलब है आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना यार, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आना। तो ट्राई मीन्स नो, ट्राई का मतलब होता है नो, नहीं करना। तो जीवन से ये ट्राई वर्ड अगर तुम रिमूव कर दोगे ना तो जो किराए वर्ड है, ट्राई का ही रिलेटेड वर्ड किराए, वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। तो अगर तुम जीवन से ट्राई वर्ड निकाल दोगे तुमको जीवन में कभी भी किराए नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? तो ट्राई वर्ड भाई चीजों को करना आसान होता है तो क्यों नहीं करते हम, क्यों ट्राई करना होता है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को, आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। मजा आया, ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन हम करते रहेंगे। चलिए भाई वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सेंचर में पूछा गया था भैया, देखिए आपको बोला है अर्चना और कपिल अगर मिलकर के किसी काम को करते हैं तो 12 दिन में कर पाते हैं, कपिल और तारक उसी काम को 15 दिन में कर पाते हैं, और तारक और अर्चना उसी काम को 20 दिन में कर पाते हैं, ठीक है? ये हो गए डेज आपके, ठीक है। एक काम करते हैं, जो भी गिवन डेटा है सबसे पहले उसका एलसीएम ले लो, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो भाई। क्या एलसीएम आएगा? आई थिंक 60। तो मान लेते हैं टोटल वर्क क्या है भाई, इनको 60 चेयर बनाना है किसी फैक्ट्री में, ये काम करते हैं 60 चेयर बनाना है, ये इनका टोटल वर्क है, ये हमने मान लिया 60 चेयर्स, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अच्छा अब वन डे वर्क निकाल लें भाई, भाई ये 12 दिन में 60 चेयर बना पा रहे हैं यानी दोनों मिलकर के 5 चेयर बना रहे होंगे पर डे, ये 15 दिन में 60 बना रहे हैं यानी 4 चेयर बना रहे होंगे पर डे, और ये 20 दिन में 60 चेयर यानी 3 चेयर्स बना रहे होंगे पर डे। तो अगर मैं इसको कंबाइंड करूं तो ये टोटल 12 चेयर्स हो रही हैं, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइंड करूं तो आप देखना ए प्लस के प्लस के प्लस टी प्लस टी प्लस ए हो रहा है, यानी 2 बार ए आ गया, 2 बार के आ गया, 2 बार टी आ गया, यानी कि ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस के प्लस टी हो रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए प्लस के प्लस टी इज इक्वल टू 12 चेयर्स। अब आप इस बात को ध्यान से देखना, अगर अर्चना कपिल और तारक एक साथ काम कर रहे हैं तीनों, ध्यान से देखना कितना बड़ी ऑब्जर्वेशन है, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं और अपनी डबल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, जितनी इनकी क्षमता है उससे डबल काम कर रहे हैं, जितनी इनकी औकात है उससे डबल काम कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, तब जाके 12 चेयर बना पा रहे हैं। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल मेहनत करेंगे अगर, तो कितनी चेयर बना पाएंगे? 6, आधी। डबल मेहनत करने पे 12 बना पा रहे हैं, तो ओरिजिनल मेहनत करेंगे तो 6 चेयर बना पाएंगे, यानी इन तीनों का कंबाइंड, तीनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में 6 चेयर बना पाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है साहब, सवाल ये है कि अर्चना अकेले कितने दिन में काम कर पाएगी। अब आप ये देखो, तीनों मिल करके एक दिन में 6 चेयर बना पा रहे हैं। अब आपको अर्चना अकेले का निकालना है, आप तो कपिल और तारक का देख लो, अगर कपिल और तारक मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में 4 चेयर बना रहे हैं,
अब ध्यान से देखना, अर्चना अकेले एक दिन में कितनी चेयर बनाएगी ये पूछा है। अब तीनों मिलकर के 6 चेयर बना रहे हैं, जिसमें कपिल और तारक अकेले ही 4 चेयर बना दे रहे हैं। तो अगर मैं कपिल और तारक की 4 चेयर्स माइनस कर दूं, तो जो 6 चेयर है उनमें से 4 चेयर तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं, यानी अर्चना अकेले 2 चेयर्स बना रही है रोज, रोज 2 चेयर्स बना रही है, बनानी 60 है, एक दिन में 2 बनाएगी तो 60 कितने दिन में बना पाएगी भाई, 30 डेज में आंसर आ गया। 30 डेज में वो अपना काम को पूरा कर पाएगी अगर अकेले काम कर रही होगी तो। क्लियर है क्या, बोलो भाई यस और नो, क्लैरिटी मिली क्या? क्लैरिटी मिली। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अब ये तो एक तरीका था, अच्छा इसका एक और तरीका देखना। अर्चना प्लस कपिल प्लस तारक जो है, अर्चना प्लस कपिल प्लस तारक जो है, ये 66 चेयर बना रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। जिसमें अगर मैं कपिल और तारक की बात करूं, ठीक है 6 चेयर बना रहे हैं, अच्छा इसको एक इसका एक एक्सटेंशन और लिखते हैं, टोटल आपको बनानी है 60 चेयर। देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकाल रहा हूं मैं यहां से, टोटल आपको बनानी है बेटा 60 चेयर्स। कितनी चेयर बनानी है टोटल? 60 चेयर बनानी है। अब ये तीनों मिलकर के 6 चेयर बना रहे हैं और बनानी 60 है, ये एक दिन में 6 बना रहे हैं, इसका मतलब अगर ये तीनों मिल जाएं तो तीनों मिल करके 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे। मेरी बात से आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो भाई? टोटल 60 चेयर बनाना है, एक दिन में तीनों मिलकर के 6 चेयर बना पा रहे हैं तो 10 दिन में पूरा काम कर देंगे। अच्छा कपिल और तारक जब अकेले काम कर रहे थे, कपिल और तारक जब अकेले काम कर रहे थे तो 15 दिन लग रहे थे इनको। अब ध्यान से देखना, मैं कपिल और तारक को मान लेता हूं एक यूनिट मान लेता हूं, इस यूनिट का नाम मान लेता हूं मैं, कुछ दे देता हूं इस यूनिट को, इस यूनिट का नाम मान लेते हैं, दे देता हूं मैं बी दे देता हूं इस यूनिट का नाम। कपिल और तारक हो गए एक यूनिट और उसका नाम दे दिया बी। अब ध्यान से देखना, ए और बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में कर पा रहे हैं और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर पा रहा है। आपसे पूछा अर्चना अकेले कितने दिन में कर पाएगी, याद आया जॉनी भैया मिया दीदी याद आई? PDD ट्रिक लगा दूं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो 15 × 10 हो गया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस 15 − 10 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 30। अर्चना के लिए 30 दिन में काम कर लेगी, क्लैरिटी है? इन दोनों को एक यूनिट मान लिया, समझे क्या? देख रहे हो किस लेवल पे दिमाग चलता है, समझ पा रहे हो क्या? यस और नो? अच्छा इसी का एक ट्रिक होती है, इसकी भी एक ट्रिक होती है, यहां पर भी आप PDS लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बेटा? PDS ट्रिक लगा सकते हो। मतलब क्या भाई, आपको बोल रखा है ए और बी मिल करके किसी काम को PDS में कर रहे हैं, बी और सी मिल करके उस काम को क्यू डेज में कर पा रहे हैं, और सी और ए देखो साइक्लिक फैशन में चल रहा हूं उस काम को पी क्यू आर आर डेज में कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी ए बी सी मैंने 3 लिखे, फिर से लिख दी और साइक्लिक फैशन में चला रहा हूं, पहले ए बी ले लिया, फिर बी सी ले लिया, फिर सी ए, यानी दो दो के तीनों पेयर ले लिए। अब ए और बी किसी काम को पी डेज में कर पा रहे हैं, बी और सी किसी काम को क्यू डेज में कर पा रहे हैं, सी और ए उसी काम को आर डेज में कर पा रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि अगर तीनों मिल करके उस काम को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो अगेन PDS ट्रिक लगेगी यहां पर। जो पिछली ट्रिक थी वो क्या थी, ध्यान से देखो, जो पिछली ट्रिक थी वो क्या थी, PQR अपॉन PQ प्लस QR प्लस RP, ये सेम रहेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम सेम रहेगा, PQR अपॉन PQ प्लस Q पे खत्म किया तो Q पे शुरू, Q के बाद R आया, R पे खत्म किया तो R पे शुरू, R के बाद कुछ नहीं तो वापस से P ले लेंगे, साइक्लिक सम कर दिया। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये दो दो के पेयर दे रखे हैं तो whatever your answer will be उसके आगे टू लगा देना। डायरेक्ट ट्रिक लग गई। तो यहां पर क्या बोला है, क्या बोला था क्वेश्चन में, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो पी की वैल्यू आ गई 12, ये आ गई 15, ये आ गई 20। रखना जरा एक बार वैल्यूज, 2 × P × Q × R अपॉन पी क्यू 12 × 15 प्लस 15 × 20 प्लस 20 × 12
गेटिंग माई पॉइंट? चलो एक बार जल्दी से सॉल्व करना भाई. देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा. 12 इंटू 15 करो, 150, 180 हो गया ये. तो 180 का एक जीरो ये कट जाएगा. तो क्या बचा यहां से? 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा? 18 प्लस 15 इंटू 2 30 हो गया, प्लस 12 दुनी 24 हो गया, ये बचा. अब एक काम करें क्या, 6 की टेबल पढ़ दें. 6 की टेबल पढ़ दो भाई. 6 इंटू 2 12 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाय क्या बचा? 5 4 9 3 12 बचा. यहां पर 12 बचा, तो ये आप देख लो भाई. 3 की टेबल पढ़ दो 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स पढ़ दो, ये 2 और 2 कट गया. 5 इंटू 2 10 आपका आंसर निकल के आ गया. यही तो निकल के आ रहा था, तीनों मिल करके 10 दिन में काम कर पाएंगे. देखो भाई, यस और नो, 10 डेज में आप काम को कर पा रहे हो. क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, बोलो हाँ कि ना. एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल पा रही है क्या भाई? जल्दी से बता देंगे भाई. क्लैरिटी कोई भी डाउट कंफ्यूजन किसी को भाई, कोई भी डाउट कंफ्यूजन. तो अगेन सबके ट्रिक्स हैं, सबके फॉर्मूलेज हैं. फॉर्मूला याद करना हो वेल एंड गुड है, बाकी बेटर ऑप्शन है कि आप एलसीएम मेथड को अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो. मैं तो बोलता हूँ रिस्क मत लो ना, दोनों चीजें सीख लो. फॉर्मूला भी याद कर लो, एलसीएम मेथड को भी याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है भाई, चलो अगला सवाल. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टीसीएस एनक्यूटी में पूछा गया था भाई. जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई, जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे. एक मिनट का समय दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो और बस मुझे बता दो कि भैया मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसको या मेरी औकात के बाहर है. ठीक है, चलो TCS में 90 सेकंड्स मिलते हैं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं आपको 120 सेकंड्स दे देता हूं. चलो भाई, पहले 30 से 40 सेकंड बिना ऑप्शन की करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूंगा. चलिए भाई, पोल आपके लिए चालू कर दिया है, जल्दी से भाई भर दीजिए, ऑप्शंस भर दीजिए. चलिए भाई, नहीं बन रहा है तुक्का मारिएगा. सीआईडी ने लगभग 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं भाई, उसके पीछे आपको कारण दिख रहा होगा किस तरह से सीरियल को एक्सटेंड किया जाता है. राहुल मेरा भाई है क्या? राहुल तुम्हारा भाई था? हाँ मेरा भाई था. क्या सच में राहुल तुम्हारा भाई था? हाँ सर वो मेरा भाई था. माय गॉड, इसका मतलब तुम राहुल की बहन हो. हाँ जी, हो पा रहा है या तोते उड़ चुके हैं भाई? अर्का जी बोल रहे हैं 8.1. ठीक है, एक बार चेक करते हैं. चलो अच्छा, पहला सवाल है, मैं आपको करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है भाई. देखो भाई, दया टेक्स 4 डेज टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब. 4 दिन में 1/3 काम कर पा रहा है, इसका मतलब दया 12 दिन में काम कर पाएगा अगर अकेले कर रहा है तो. अभिजीत जो है वो 3 दिन में 1/6 काम कर पा रहा है, यानी 1/6 काम 3 दिन में कर पा रहा है. तो अभिजीत भाई 3 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 दिन में पूरा काम कर पाएगा अगर अकेले करेगा. ठीक है, एसीपी प्रद्युमन, एसीपी की बात करूं तो एसीपी प्रद्युमन बोल रहे हैं 5 दिन में आधा काम कर पाएगा, 10 दिन में पूरा काम कर लेगा भाई, 10 दिन में पूरा काम कर लेगा भाई. अब आपसे क्या बोला है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया 3 दिन के लिए, तो तीनों ने एक साथ काम किया
तीन दिन के लिए तीनों ने एक साथ काम किया, फिर दया और एसीपी प्रद्युमन ने क्विट कर दिया कि भाई अब हम काम नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ अभिजीत आया काम करने के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ वर्क है, अभिजीत को कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इस काम को पूरा करने के लिए। अब आप यहाँ पे भाई एलसीएम मेथड लगाओगे, टोटल वर्क निकालोगे, फिर इनका वन डे वर्क निकालोगे, फिर सारी कैलकुलेशन करोगे, समय लग जाएगा बहुत, 90 सेकंड में करना है इसको, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इस ट्रिक से जुड़ी बहुत 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 खतरनाक यादें हैं भाई, है ना। तो ये बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पर्सन लीव कर रहा है, पर्सन ज्वाइन कर रहा है, और बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं इसमें, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। जानना चाहते हो भाई, जानना चाहते हो, 8.1 इज द रॉन्ग आंसर बच्चा, जानना चाहते हो भाई, जल्दी बताओ भाई, बहुत जल्दी से आंसर निकलेगा भाई, फटाफट से बताओ भाई, जानना चाहते हैं। देखिए भाई, अब इधर देखना भाई, मान लो 3% 4% 5% कितने भी पर्सन हो, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, अपन सिंपलिसिटी के लिए 3% मान लेते हैं। ध्यान देना बहुत अच्छे से, मजा आ जाएगा भाई, सीट की पेटियां बांध के रखना भाई। ठीक है, 3% है मेरे पास ए बी सी, नेट पे कहीं नहीं मिलेगा ये, 3% है मेरे पास ए बी सी। स्ट्रिक का नाम क्या है? दगा बाजरे तोरे नैना बड़े, दगाबाज ट्रिक हम सीख रहे हैं। ठीक है, तीन दगाबाज क्यों भाई? कोई पर्सन लीव कर रहा है ना बीच से, या बीच से ज्वाइन कर रहा है, तो वो दगाबाज व्यक्ति हुआ। ठीक है, अब ए बी सी 3% है। ठीक है, अब ए काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, ए का एक्चुअल वर्क लिखना है कि भाई ए ने दरअसल एक्चुअली कितने दिन काम किया। ठीक है, डिवाइड कर देना है ए का अलोन वर्क, अगर ए अकेले काम करता तो कितने दिन में कर लेता। सिमिलरली बी का एक्चुअल वर्क लिखना है यहां पर, डिवाइडेड बाय अगर बी अकेले काम करता तो कितने दिन में कर लेता, प्लस सी का एक्चुअल वर्क लिखना है यहां पे, एक्चुअली कितने दिन काम किया, डिवाइडेड बाय सी का अलोन वर्क, अगर सी अकेले काम करता तो कितने दिन में कर पाता, इक्वल टू वन करते जाएंगे, प्लस 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 करके इक्वल टू वन कर देंगे। भैया 4% होते तो प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां पर क्या ट्रिक लगेगी भैया? यहां पर यह ट्रिक लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी भाई? दया ने कितना एक्चुअल वर्क किया अपॉन दया का अलोन वर्क, अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में कर पाता। ठीक है, अभिजीत ने कितना एक्चुअल वर्क किया, अगर अकेले करता तो कितने टाइम लगता, प्लस एसीपी ने कितना एक्चुअल वर्क किया, डिवाइडेड बाय अगर अकेले करते तो कितना टाइम लगता। तीन ही पर्सन है तो तीन तक ही चलेंगे, चार होते तो और आगे बढ़ाते, पांच होते तो और आगे बढ़ाते भाई। अब दया ने एक्चुअली कितने दिन काम किया भाई? आपको दिया है दया ने 3 दिन काम किया, दया और एसीपी दोनों ने 3 दिन काम किया, और अभिजीत ने स्टार्ट किया लेकिन लास्ट तक केवल अभिजीत गया। तो दया ने एक्चुअली कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। अगर अकेले दया काम करता तो कितने दिन में कर पाता? 12 दिन में। तो एक्चुअल अपॉन अलोन का मतलब समझ गए ना? एक्चुअल अपॉन अलोन का मतलब समझ गए? ठीक है भाई, अभिजीत का एक्चुअल वर्क क्या है भाई? अभिजीत ने एक्चुअली कितने दिन काम किया वो तो नहीं पता ना, तो अपन उसको मान लेते हैं ए। ए दिन अभिजीत ने एक्चुअली काम किया। अगर अकेले काम करता अभिजीत तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेता? 18 दिन में भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब एसीपी ने एक्चुअली कितने दिन काम किया बताओ? एसीपी ने एक्चुअली कितने दिन काम किया भाई? 3 ही दिन काम किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया। अगर एसीपी अकेले काम करता तो 10 दिन में कर पाता, इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। अब तो बिल्कुल हो गया काम, कोई टेंशन नहीं है। एक काम करते हैं, इसको अगली स्क्रीन पर लिख देते हैं, 3/12 प्लस ए बाय 18 प्लस क्या बच रहा है, 3/10 इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 180 बना देते हैं। 180 बनाने के लिए यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई, 15 का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, 10 का डिवाइड कर देते हैं। इधर 18 का मल्टीप्लाई, 18 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, 45 अपॉन 180
प्लस 10 ए अपॉन 180 प्लस 18 दुनी 18 इंटू 3 कितना होता है 8 या 24 करना 3 और 5 54 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1 आ गया यानी इन तीनों को ऐड करो 54 45 क्या हो गया 99 आई थिंक 54 45 549 99 प्लस 10 ए इज इक्वल्स टू 180 180 कॉमन लेके इस साइड ले गए तो 10 ए की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 99 तो 10 ए की वैल्यू कितनी आ गई 81 तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8.1 तो अभिजीत अगर काम कर रहा है एक्चुअली तो कितने दिन काम कर रहा है 8.1 डेज काम कर रहा है अभिजीत ने एक्चुअली कितने दिन काम किया 8.1 डेज काम किया कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या हां जी ऑप्शन ए मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल गलत भैया आपने ही ट्रिक बताई आप ही ने आंसर निकाला अब आप ही अपना आंसर गलत बोल रहे हो ये क्या बात हुई बेटा ये टीसीएस है हर किसी से नहीं निकलता टीसीएस बहुत ट्रिकी पेपर बनाता है ध्यान से पढ़ो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अभिजीत टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन बचा हुआ जो काम है जो कि अभिजीत अकेला कर रहा है वो कितने दिन से कितने दिन में करेगा अभिजीत रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा भाई तीन दिन तो सबने साथ किया ना स्टार्टिंग के तीन दिन दया भी था एसीपी भी था अभिजीत भी था फिर दया और एसीपी पीछे हट गए उन्होंने कहा अब हम काम नहीं करेंगे रिमेनिंग काम अभिजीत करेगा तो 8.1 में से मैं वो तीन दिन माइनस कर दूंगा जब सबने साथ काम किया यानी कि अकेले रिमेनिंग वर्क अभिजीत ने कितने दिन में किया 5.1 डेज में 48% जनता ने ए आंसर दिया भाई इसलिए पहला ऑप्शन टीसीएस ने ए 8.1 ही बनाया था ताकि बच्चे जल्दी से 8.1 आती टिक लगा देते हैं बड़ा क्वेश्चन को ढंग से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है समझ रहे हैं क्या बेटा समझ रहे हैं चलिए भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत शानदार तो आज के सेशन को खत्म करते हैं बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी मिलेगी उसको जरूर से सॉल्व कर लेना डीपीपी एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है बिंदास टीम को कॉन्टेक्ट करना भाई आज का होमवर्क टास्क सुन लो भाई जितने भी फ्री मेंबर्स हैं उनके लिए होमवर्क टास्क सिर्फ एक ही है डीपीपी करना है 10 सवाल मिलेंगे सवाल के आंसर और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होंगे टाइमर बेस नहीं होंगे जस्ट एक पीडीएफ होगी आपको सॉल्व करने को मिलेगी अगर आप पेड स्टूडेंट है तो आपको पता होगा एक घंटे में टाइम एंड वर्क कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो एक घंटे में जितना टॉपिक हो पाता है उतना कराते हैं तो एक घंटे लाइव क्लास करना है फिर बाकी बचा हुआ कंटेंट मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ भाई तो आज का होमवर्क टास्क क्या है बेटा एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई आपको आना है नॉलेज गेट वेबसाइट पर मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर आपने परचेस किया हुआ है ठीक है आप कोर्स के अंदर आएंगे ठीक है तो आपको जाना है बेटा एप्टीट्यूड वाले कोर्स के अंदर जाएंगे ठीक है तो इधर आपको देखेगा बेटा टाइम एंड वर्क के देखो कंप्लीट वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपको ये 9 रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है प्लस जितने भी पेड बच्चे हैं उनको हर लाइव सेशन के नोट्स भी दिए जाएंगे भाई सो दैट मान लो कल या परसों आपका प्लेसमेंट एग्जाम है 2 या 3 दिन बाद तो टोटल 70-80 लाइव क्लासेस होने वाली हैं तो आप 70-80 लाइव क्लासेस यार कैसे रिवाइज कर पाओगे 2 दिन में पॉसिबल ही नहीं एक एक घंटे की लाइव क्लास रिवाइज करना राइट तो आप इन नोट्स के सहारे 5 मिनट में सेशन को रिवाइज कर सकते हो है ना 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो भाई तो पूरे 9 वीडियोस देखना है फिर नोट्स रिवाइज करना है फिर ये डीपीपी तो सबके लिए फ्री है सब दे सकते हैं इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पेड बच्चों को एक प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा 15 पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे डीपीपी में जेनरिक क्वेश्चन होंगे लेकिन टेस्ट में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपनी में पूछे गए सवाल होंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कंपनी में किस तरह के सवाल आते हैं रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन सारी आईटी कंपनीज के आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चंस यहां पर मिल रहे होंगे भाई और टाइमर बेस्ड होगा 15 क्वेश्चंस 30 मिनट का टाइम होगा आपको आपकी रैंक पता चलेगी कि आपकी रैंक क्या है कितनी मेहनत करने की जरूरत है आप लास्ट के 5 दिन में पता रिवीजन कैसे कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट का आप हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस टेस्ट आपने सॉल्व किया होगा किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए वो लिख लो अब जिन जिन सब्जेक्ट के टेस्ट में कम मार्क्स आए केवल उनको रिवाइज कर लो आखिरी के दिन वो आपके वीक टॉपिक्स हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो राइट तो
जितने भी फ्री बच्चे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीपी की लिंक दिख रही होगी, आपको एनरोल बंडल बटन पे क्लिक करना है। पहली बार हमारी वेबसाइट पर आए हो तो आप एक अपनी ईमेल आईडी डालना, कोई भी एक पासवर्ड बना लेना, या तो डायरेक्टली गूगल से भी साइन अप कर सकते हो। ऑलरेडी वेबसाइट पर आ चुके हो, आईडी बना चुके हो, तो फिर साइन इन पर क्लिक करना और अपनी आईडी वगैरह डाल करके आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो डीपीपी को। तो डीपीपी बस फ्री है और एक घंटे की ये डेमो लाइव क्लासेस फ्री है, बाकी कंटेंट जो है वो आपको पेड फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो होमवर्क टास्क जल्दी से बता देंगे, ये पूरी 9 की 9 वीडियोस देखनी है, नोट्स देखना है, टेस्ट देखना है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। और बेटा इस संडे को आपका मेगा टेस्ट होने वाला है, तो मेगा टेस्ट में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। भाई इस हफ्ते जो जो भी हमने पढ़ा वो सब मेगा टेस्ट में आने वाला है। तो एक बार जल्दी से आपको मेगा टेस्ट का शेड्यूल बता देता हूं, मतलब सिलेबस बता देता हूं भाई, ठीक है। तो इस हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा भाई, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देंगे भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रॉफिट लॉस पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा और क्या पढ़ा हमने इस हफ्ते, इस हफ्ते हमने पढ़ा पिछली क्लास में, ठीक है, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा और क्या पढ़ा हमने बेटा, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइम एंड वर्क, साथ में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और कल डेटा स्ट्रक्चर की क्लास लगेगी कंप्यूटर साइंस की, तो वहां पर आप पढ़ोगे लिंक्ड लिस्ट। तो आपको टेस्ट में हर एक टॉपिक से 5-5 सवाल मिलेंगे जो कि कंपनी में पूछे गए सवाल हैं, 5, 5 और 5। मेगा टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई दे सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी भाई। कल रात में 8:30 बजे टेस्ट जो है वो लाइव हो जाएगा, अटेंड कर लेना। टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो टॉप 15 रैंकर्स होंगे उनको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, व्हाटएवर वी विल फॉर्म इट, उसमें ऐड किया जाएगा, जहां पर वो 15 बच्चे डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और वो मेरे टॉपर बच्चे होंगे भाई। तो उनको 4 से 5 कंपनीज में प्लेसमेंट का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो भाई टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, सारी वीडियोस रिवाइज करना, सारा होमवर्क दोबारा से एक बार रिवाइज करना, डीपीपी सारी सॉल्व करना भाई, नोट्स सारे एक बार रिवाइज करना, उसके बाद जो पीवाईक्यू टेस्ट है उनको भी अच्छे से देना, स्कोर बूस्टर शीट से उनको भी अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स आप परचेज करते हो तो आपको क्या क्या यू नो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं एक बार जल्दी से बता देते हैं भाई, ठीक है। तो आप कोर्स में आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कंप्लीट, मान लीजिए आप आपका एक महीने बाद प्लेसमेंट का एग्जाम है, आपके पास समय कम बच रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमने यहाँ पर रैपिड फायर क्रैश कोर्स डाल रखा है, 50 घंटे में आप एक बेसिक लेवल पर प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। भैया एक साल के लिए कोर्स है, क्या करें, आप चेंज वैलिडिटी पे क्लिक करके 30 डेज के लिए चेक कर सकते हो, अगर आपका पेपर अगले महीने ही है तो 30 डेज का आप परचेस करें और इस केवल क्रैश कोर्स को देख लें। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि यार एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर वाला प्लान ले और इसको एज अ रिवीजन देखें। क्रैश कोर्स को आप रिवीजन के तौर पर लेंगे बाद में, पहले कंप्लीट एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी फिनिश करेंगे, फिर कोडिंग में C++ जावा पाइथन के कोर्सेज मिलेंगे आपको, कॉम्पिटेटिव कोडिंग मिलेगी, कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगा, इंटरव्यू एंड रेज्यूम प्रिपरेशन मिलेगा, मैं खुद आपका रेज्यूम बनवाऊंगा, खुद आपका इंटरव्यू लूंगा, आपको फीडबैक कॉल दूंगा। तो जो गलतियां आप एक्चुअल इंटरव्यू में करने वाले हो वो आप मेरे मॉक इंटरव्यू में कर लोगे, तो एक्चुअल इंटरव्यू में आप बिना गलतियों के दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। और सारी मेगा IT कंपनीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्सेज हैं, TCS विप्रो कैपजेमिनी इंफोसिस कॉग्निजेंट एक्सेंचर इन्फिटीक्यू हेक्सावेयर LTI एमकेट, प्रीवियस ईयर से यार बहुत सारा पेपर रिपीट हो जाता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है भाई। चलो भैया यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है, होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, 6 CGPA बना लो बहुत है यार। तो अगर तुम मतलब 2-2, 3-3 घंटे एक एक यूनिट को दोगे 15-20 घंटे में, तुम आराम से 6 CGPA बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो कोई टेंशन नहीं, जितनी वीडियोस छूट रही हैं, जितने टॉपिक्स छूट रहे हैं उनको नोट कर लेना, फिर हफ्ते में आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही होती है, उनमें कवर करते जाना, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है कोर्स के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी एडिशनल डिस्काउंट आपको चाहिए है तो अगर कोई डिस्काउंट ऑफर्स होंगे या कुछ भी होंगे तो आपको मिल जाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आप नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे हमारी काउंसलिंग टीम पूरी। नोट्स या वीडियो कैसे डाउनलोड करें, आप नॉलेज गेट का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे आप नॉलेज गेट डालोगे, मोबाइल ऐप आएगा, मोबाइल ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियोस को और नोट्स को भी,
ठीक है चलिए सर, डिप्लोमा सीएस से किया है तो क्या मैं सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल चिराग जी, देखिए एक इंजीनियर का प्लेसमेंट होना फिर भी मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन आपने सिर्फ डिप्लोमा किया तो प्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है, आपने मेहनत की और मेरी डायरेक्शन में सही से आप काम करोगे तो प्लेसमेंट हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, मैं भी प्रेजेंट रहूंगा, कोई भी क्वेरीज है आई विल बी देयर टू आंसर। सर जो क्लास छूट गई है उनको कैसे कवर करें? आपको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल रही है, उन 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर नहीं हो रही कवर तो केवल वो टॉपिक्स लिख लें जो जो छूट रहे हैं, उनको अपन लास्ट में कवर करेंगे। जब बैच खत्म होने वाला होगा तो लास्ट में मैं 10 से 15 दिन का आपको गैप दे दूंगा, उसमें आप कवर कर लेना। लेकिन जो लाइव क्लासेस है उनको नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं करना है कि आप 15 दिन पीछे चल रहे हो, नहीं, मेरे साथ साथ चलना है, हर टॉपिक इंडिपेंडेंट। अगर कोई क्लास छूट भी गई, अगली क्लास आपको बराबरी से समझ आने वाली है। राइट, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। कल संचित जी सर लेंगे 8:30 बजे क्लास, हम मिलेंगे सीधे मंडे को 8:30 बजे। मेगा टेस्ट दे करके टेलीग्राम पर जरूर से शेयर करना भाई। उसके अलावा अच्छा ऐप डाउनलोडेड है बेटा, तो एक बार आप टीम को कांटेक्ट कर लेना, टीम आपको हेल्प कर देगी कैसे डाउनलोड करना है भाई। भैया बीसीए के लिए कोर्स बढ़िया है बेटा, बीसीए वालों के लिए परफेक्ट है ये कोर्स, है ना, बिकॉज बीसीए वालों की एजुकेशन जो है उतनी अच्छी नहीं मिलती है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके पास कोर्स रहेगा तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है भाई, और बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन है आप मेरी बात मत सुनो, आप तो जो बच्चों ने फीडबैक दे रखे हैं वो एक बार आप देखते जाओ भाई। ठीक है, 13,000 के ऊपर बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं, बहुत सारे बीसीए के बच्चे भी हमारी यू नो प्लेसमेंट ले चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।